नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी से 3 दिनों से लापता 5 वर्षीय बच्ची का शव नदी तट से बरामद, क्षेत्र में सनसनी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना मुक्त, संक्रमितों के लिए करेंगे प्लाज्मा डोनेट। परसूडी में आबकारी विभाग का छापा, 400 लीटर अवैध शराब के साथ 2 पकड़ाए। जिले में तैनात 150 सहायक पुलिस जवानों ने पुलिस कप्तान से लगाई गुहार। और चांडिल में त्रिपक्षीय वार्ता के बाद भी नतीजा रहा सिफर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सोनारी में 3 दिनों से लापता 5 वर्षीय बच्ची का शव नदी तट पर पाए जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी व्याप्त है। इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके अफसोस जताया। सोनारी कपाली भट्टा बस्ती से लापता 5 वर्षीय बच्ची का शव दोमोहानी मरीन ड्राइव के पास नदी तट पर नग्न अवस्था में बरामद किया गया। बच्ची का एक हाथ भी कटा हुआ है। स्थिति देखकर तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके साथ अमानवीय हरकत की गई। बच्ची के परिजन मजदूर वर्ग के हैं और वे उसकी तलाश में जुटे थे। इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करते हुए अफसोस जताया और एसपी से सख्त कदम उठाने और दरिंदे को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। मौके पर खुद सिटी एसपी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। पुलिस बच्ची के परिजनों के अलावा अन्य लोगों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। इसका पिताजी डिमना में रहता है। इसका जो पहला पिताजी था वो डेट कर गया है। अभी किसके पास रहता है? अभी वो मेरे पास रहता था, नाना नानी का साथ, मामा का साथ रहता था। हम ही उसका मामा। नहीं मालूम बाबा, बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते जब रात को नहीं मिल रहा ना शाम को, तब हमने पूरा बस्ती उसकी इधर उधर खोज रहा बच्चा, हमने बच्चा मिला ही नहीं। हाथ मिला तो देखिए किनारे मिला। एक कब से लापता था? परसों रोज 6 बजे से घूमा है, जब से बच्चा नहीं मिला है तब से हम लोग खोज रहा फोटो। कहाँ रहते हैं आप लोग? न्यू गोपाली बस्ती में। परसों से एक बच्ची मिसिंग थी 5 साल की, उसकी खोजबीन उसके माँ बाप के द्वारा भी की गई थी, उसमें FIR दर्ज हुई थी, तभी नदी के किनारे उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी देख के ऐसा लग रहा है जैसे फूली हुई हो, पानी में डूबी हुई हो, लेकिन एक हाथ की कलाई मिसिंग है उसका। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा डोनेट करने का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स में भर्ती थे और इलाजरत थे। बुधवार को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल के बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए रिम्स के डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही कहा कि वे अब संक्रमितों के लिए प्लाज्मा डोनेट करेंगे। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस कोरोना के जंग में मैं सोचता था कि मैं दूसरे लोगों से आह्वान जब करता था कि प्लाज्मा जो है आप डोनेट कीजिए, तो मैं सोचता था कि मैं कब प्लाज्मा डोनेट करने का उत्तराधिकारी बनूंगा। तो परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि मैं भी अब किसी और अपने झारखंड के वासी को अपना प्लाज्मा देकर उसको ठीक करने के लिए मेरे प्लाज्मा का भी इस्तेमाल होगा। आबकारी विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर परसुडी क्षेत्र में छापामारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जमशेदपुर आबकारी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर परसुडी के जसकंडी में छापामारी, अवैध शराब कारोबारी का खुलासा किया। वहां से करीब 400 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है और उनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। गुप्त सूचना मिली थी कि परसुडी थाना क्षेत्र के जसकंडी में एक महुआ कवे चले शराब का ये है अड्डा है, गोदाम है। तो वहीं पे हम लोग सुबह तकरीब 4 बजे आसपास छापामारी किए और 400 लीटर चलाई शराब और 2 मोटरसाइकिल और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात सहायक पुलिस जवानों ने पुलिस कप्तान को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए एक मांग पत्र सौंपा है। आपको बताते चले कि रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में सहायक पुलिस की बहाली की गई थी।
इनमें से अधिकांश ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं। इनसे कहा गया था कि यदि वे निष्ठापूर्वक काम करेंगे तो 3 वर्षों बाद उनकी बहाली झारखंड पुलिस में कर दी जाएगी। मगर 3 वर्ष तो बीत गए पर उन्हें ठीक ढंग से मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है। उन्हें जो मानदेय मिल रहा है उससे घर का खर्च भी चलना मुश्किल है। जमशेदपुर में उनकी संख्या लगभग 150 है। 2017 से हमें बहाल किया गया था और ये भी बोला गया था कि आप लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं जिनको हम रोजगार देंगे ताकि वो नक्सल क्षेत्र की ओर प्रभावित ना हो। अब परेशानी ये आ रही है कि हमें जो मानदेय दिया जा रहा है और यहाँ 2400 घंटा हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ड्यूटी नहीं कर रहे, 2400 घंटा हमसे ड्यूटी लिया जा रहा है। ट्रैफिक पे दो बार हम चेकिंग कर रहे हैं, हम सब जिला बल की तरह ही हम लोग उनकी ड्यूटी को निभा रहे हैं। लेकिन अब परेशानी यह है कि हमें यहाँ से जो मानदेय दिया जा रहा है उस पर हमारा निर्वाह नहीं हो पा रहा। हम लोग झारखंड सहायक पुलिस हैं, हमारी नियुक्ति 2017 में तत्कालीन सरकार रघुवर सरकार के समय हम लोग का नियुक्ति किया गया था। उस समय जब नियुक्ति हम लोग का हुआ था उसी समय हम लोग को बोला गया था अगर आप लोग अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी निभाते हैं 3 साल बाद आप लोग को सीधी नियुक्ति झारखंड पुलिस में दी जाएगी। उसी आस के लेकर हम लोग ड्यूटी करते हुए आए हैं। वरीय पदाधिकारी के द्वारा हम लोग का जहाँ भी ड्यूटी लगाया गया हो सब जगह हम लोग अपनी ईमानदारी निष्ठापूर्वक ड्यूटी निभाते आए हुए हैं। अभी हम लोग का अगस्त में 3 साल कंप्लीट हो गया है तो सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं जो हम लोग का पूर्व सरकार ने वादा किए थे 3 साल बाद आप लोग को झारखंड पुलिस में सीधी नियुक्ति दी जाएगी, तो उसी का मांग को लेकर हम लोग सरकार के विभिन्न विधायक व मंत्री जी से मिले हैं। NH-32 में सड़क चौड़ीकरण के लिए रैयतदारों को भुगतान देने का मामला अब लटकता जा रहा है। बुधवार को विधायक समेत त्रिपक्षीय वार्ता के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पाई। त्रिपक्षीय वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, SDO विनय कुमार, NH-1 के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत रैयतदार बैठक में मौजूद थे। 2 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चली बैठक में सभी पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी मगर अंततः मुआवजा राशि को लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। रैयतदार इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उन्हें भुगतान नहीं किया जाएगा वे काम नहीं होने देंगे। विधायक मैडम की अध्यक्षता में रखी गई थी जिसमें हमारे NH-32 के 5 मौजा जिसके रैयत मुआवजा भुगतान नहीं ले पाए हैं और जिनका पैसा जो है वो LA कोर्ट चाईबासा में जमा है। NH-32 में जो काम अभी होना है उसमें रैयतों के द्वारा काम को तत्काल जैसे जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है उचित मुआवजा तब तक जो है सो कार्य को बाधित रखा गया है। जब आप 5 गांव का जो है आएंगे और भी रहेंगे और SDO साहब भी रहेंगे जो इस लोग का जो यहाँ का समान प्रॉब्लम है उस बात को रखेंगे। हिंदूवादी संगठनों ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर प्रशासन से कुछ अपील की है, साथ ही कुछ सुझाव भी दिए हैं। शहर में दुर्गा पूजा एक महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है और पूरे 9 दिनों तक जश्न का माहौल होता है मगर इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। इधर कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने अपने कुछ सुझाव प्रशासन को दिए हैं ताकि लोग संक्रमण के इस काल में पूजा अर्चना भी कर सके। हिंदू समाज में अलग महत्व है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके बिना पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती, जैसे ढाक बाजा। अपना ढाक बाजा दुर्गा पूजा में अपने समाज में एक विशेष महत्व रखता है। हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कम से कम 2 ढाक बाजा बजाने के लिए ढाकी बाजा के साथ में अनुमति, पूजा करने की अनुमति दी जाए। सिंदूर दान जो औरतें उसमें में जो सिंदूर दान का सिंदूर खेला करती हैं उसका अनुमति मिले, है ना, लाउड स्पीकर की अनुमति मिले ताकि सब घर में बैठे 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 हुए लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से चंडी पाठ जो होता है, जो सरस्वती का पाठ होता है वो सुन सके। सोनारी में जमीन विवाद को लेकर भाई बहन के बीच हुए मारपीट और विवाद में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कैसे अपने लोग ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं इसका ताज़ा उदाहरण है। सोनाली झाबड़ी बस्ती में भाई बहन के बीच ही खूनी झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई और उनसे पूछताछ जारी है। आज ये लोग हम लोग के घर में घुस
करके दीवार तोड़ करके दरवाजा निकाली है, दरवाजा निकाली है, उसी का विवाद में वो लोग दीवार ज्वाइन कर रही थी, तो हम लोग को वहाँ से बोला गया ऑर्डर, थाना वाला लोग बोले कि दीवार तोड़ दो, दीवार तोड़ करके तुम लोग फिर हम लोग मैटर देख लेंगे, आज बोलो हम लोग दीवार तोड़े तो आज वो लोग उसका फाइन मिल करके हम लोग को इतना पत्थर मारने लगा। अंतिमा गोल्डी महेंद्र देवी मेरा दीवार था दिया हुआ, उसको हम लोग घर में है, हमारा तबियत खराब है, हम दवाई खा के पड़े हुए, खाना भी नहीं खाए, दोपहर के दवाई खाए, दवाई भी नहीं खाए, खा के तो पड़े थे, फिर खाना खाते फिर दवाई खाए। पूर्वी सिंहभूम भाजपा जिला कमेटी की घोषणा कर दी गई है। कमेटी में इस बार कई नए चेहरे नजर आ रहे हैं और अधिकांश युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि नई कमेटी की घोषणा के बाद जिला भाजपा में विवाद भी आरंभ हो गया है और दो पूर्व मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा भी सौंपा है। साथ ही कई वरीय नेताओं ने नई कमेटी पर नाराजगी भी जताई है। इधर नए चुने गए जिला एवं मंडल स्तर के नेताओं ने बुधवार को सांसद विद्युत तरुण महतो से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे बखूबी निभाएंगे। कल जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर कमेटी की विस्तार हुई और उसमें हमें उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं, जो मैं निष्ठा के साथ, ऊर्जा के साथ और पूरी क्षमता के साथ भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के संगठन को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कदमा क्षेत्र में इन दिनों एक विशालकाय लंगूर को घूमते देखा जा रहा है। संभवतः ये लंगूर टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क से बाहर आ गया है। कदमा क्षेत्र में इधर उधर घूम रहे विशालकाय लंगूर को देखने लोगों की भीड़ जुटने लगी है। हालांकि लंगूर शांत स्वभाव का है और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा। लोग उसे खाने पीने की चीजें भी दे रहे हैं, पर उसका ध्यान फल बेचने वालों पर टिकी रही और फल विक्रेताओं ने भी उसे निराश नहीं किया। राम जी का दर्शन हो रही है और एक कदमा में काफ़ी हमको लगता है कि 10 मिनट खत्म हुआ कि आधा घंटा एक घंटा हो गया, काफ़ी भीड़ लगे थे तो आप लोग सुबह से एक कुछ कर रहे किसी को नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। मंगलवार को कुल 266 संक्रमित पाए गए, मगर राहत की बात यह है कि अब तक 333 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जमशेदपुर में कोरोना से कुल 4 लोगों की मौत मंगलवार को हुई। 246 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, इनमें मानगोज जाकिर नगर परसुडी बगान टोला बिरसा नगर जोन नंबर 4 MGM मेडिकल कॉलेज के एक MBBS छात्र, गोल पहाड़ी टाटा नगर जादूगोड़ा यूसील कॉलोनी के 2, तेलको खड़ंगाझाड़ के 2, कदमा ECC फ्लैट मानगो सोनारी जुगसलाई सहित अन्य क्षेत्र के लोग शामिल हैं। जमशेदपुर में कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 7,406 हो गई है। वहीं मंगलवार को कोरोना से 4 मरीज की मौत हुई, चारों का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा था। मृतक में कदमा भाटिया बस्ती निवासी 62 वर्षीय पुरुष, मानगो आज़ाद नगर निवासी 73 वर्षीय पुरुष, टेलको मनीफिट निवासी 76 वर्षीय पुरुष, सोनारी निवासी 34 वर्षीय युवक शामिल हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स।
ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974545। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake,